आज हम सीखेंगे छोटा सा टॉपिक जो सभी क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है, वो है पहाड़े यानी कि टेबल। कि टेबल याद करना, स्वतः याद करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों शुरू में तो सबसे पहले आपको एक से लेकर नौ तक के पहाड़े आने चाहिए, वो आसान याद करना वो जरूरी भी है। और उसके बाद कि जो टेबल्स हैं 10 से लेकर 100 तक वो हम आज बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपका टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे 14 की, तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। दोस्तों एक से लेकर नौ तक के पहाड़े आपको आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। 14 टेबल लिख रहे हैं तो 1 और 4 को थोड़ा अलग अलग लिख देंगे। अब जो इनके 1 और 4 दोनों के जो पहाड़े हैं, जो टेबल है वो लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक की टेबल हमने लिख दी है, अब 4 की टेबल। ठीक है दोस्तों, 1 की टेबल लिख दी और 4 की। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, बहुत इजी है। जहां तक इसमें इकाई अंक में जो अंक आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इन अंकों को कुछ छेड़ना नहीं है। तो 1 और 4 14, ठीक है दोस्तों। 2 और 8 28। अब यहां पे 2 अंक आ गए, यहां पर 1 अंक है, तो क्या करना है, ये जो 2 अंक हैं इन्हें ऐड कर देना है। 3 + 1 = 4, 2। ठीक है दोस्तों, अब है इसे ऐड कर देते हैं, 4 + 5 = 6। ठीक है दोस्तों, 56 हो गया। इसी प्रकार सेवेंटी, 84, 7 to 9 = 98, 8 + 3 = 11, 126, और 10 + 4 = 140। देखिए दोस्तों कितना आसान था टेबल बनाना, जो कि हमने भी 14 जो टेबल बनाई, सबसे पहले एक का पहाड़ा लिखा, फिर 4 का, और फिर इनको ऐड कर दिया। जहां तक एक एक अंक आ रहा है वहां ऐड नहीं करना है आपको, और जहां से 2 अंक आना शुरू हो गए वहां पे ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम सेवेंटीन की टेबल। दोस्तों फिर वही छोटी सी ट्रिक अपनानी है उनको, जो बहुत छोटी सी है और बहुत इजी भी है। 1 लिख दिया, 7, पहले 1 की टेबल लिखनी है। 7 की, ठीक है दोस्तों, 1 की टेबल लिख दी और 7 की। अब इन्हें ऐड कर देना है। ऐड करते हुए समय ध्यान रखना है, जहां जहां एक एक नंबर आ रहे हैं उनको ऐड नहीं करना है। तो ये 1 7 हो जाएगा, यहां 2 नंबर आ गए तो ये ऐड हो जाएंगे, 3 4। इसी प्रकार 3 4 ये नंबर भी ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 = 5 = 1 = 4 = 6 = 8 = 5 = 3 = 85 = 102 = 104 = 119 = 8 + 5 = 13। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है टेबल बनाना। अभी हमने 14 की बनाई, फिर 17 की, अब थोड़ी बड़ी टेबल बनाने से 32 की। ठीक है दोस्तों, बनी रही है मेरे साथ। अभी हम देखते हैं 32 की टेबल।
हाँ जी दोस्तों, 32 के लेवल में वही पहले वाला इस्तेमाल जो हमने ट्रिक्स अपनाई है, वही ट्रिक्स अपनानी है। सबसे पहले 3 और 2 को थोड़ा अलग अलग लिख देना है और फिर दोनों की टेबल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 32 की टेबल बना रहे, इसमें 3 का टेबल लिख दी और 2 की। अब उसी प्रकार से 14 और 17 के उसी तो उसको ऐड कर देना है। 32, 64, 96 और फिर 128। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दो नंबर्स हैं, इसमें एक नंबर है, इन्हें ऐड नहीं करना है, ऐसे कैसे लिख देना है। अब देखो यहां से दो नंबर आना स्टार्ट हो गया है इनमें, तो इन्हें प्लस कर देंगे। 15 और 16, 1-1 नंबर आ रहे वहां ऐड नहीं करना है। इसमें देखो यहां दो नंबर आ रहे हैं तो इन्हें ऐड नहीं करना है। इस वाली टेबल में जब दो नंबर आए तो ऐड करना है, जैसे कि इसमें हमने ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप आगे तक 100 तक आगे तक टेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा 10 से लेकर 100 तक की टेबल बनाना, जो कि शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसान हो गया था। दोस्तों ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक में मैथ्स में हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।